एक तरफ तो यूपी की योगी सरकार प्रदेश को माफिया मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, इसी कड़ी में दुर्दांत अपराधी असद अहमद एनकाउंटर में ठेल हुआ। लेकिन अब मैनपुरी से सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने असद अहमद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। सपा पर हमेशा से अतीक अहमद समेत कई बाहुबलियों और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जब यूपी की एसटीएफ ने अपराधी असद को एनकाउंटर में मार गिराया है तो सपा की तरफ से फेक एनकाउंटर का राग अलापा जा रहा है। पहले अखिलेश यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, अब डिंपल यादव ने भी इस मामले में बयान दिया है। हम आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में डिंपल यादव ने क्या कहा है। प्रदेश की व्यवस्था चल रही है, हम देख सकते हैं लगातार यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जहाँ महिलाएं असुरक्षित है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है बच्चों के पास, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जहाँ लगातार जब से सरकार आई है फेक एनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये एनकाउंटर अब हुआ है कल, इससे बात प्रमाणित हो गई। समाजवादी पार्टी बात कह रही थी कि सरकार लगातार फेक एनकाउंटर करवा रही है, उस पर एक तरह का धक्का लगाने का काम। वो लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है और इसीलिए उनको फेक लगता है। हम सभी जानते हैं कि कौन से नेताओं पर किस तरह के अपराध लगे सरकार से, तो इस तरह की बातें ना करें। और मैं समझता हूँ कोई अपराधी है तो एक व्यवस्था है इस प्रदेश में, इस देश में, उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या समाज के सामने एग्जाम्पल से। आपने खुद सुना सपा सांसद डिंपल यादव कैसे प्रदेश सरकार पर बस विरोध करने के बहाने से एक ही सांस में फेक एनकाउंटर, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा की बात लेकर आ गई। जबकि सारी दुनिया ने देखा था कि कैसे 24 फरवरी को असद ने प्रयागराज में उमेश पाल को गोलियों से भूनकर मार दिया था और उसके बाद 5 लाख का इनामी फरार अपराधी बन गया था। अखिलेश यादव ने इस मामले में यही कहा कि फेक एनकाउंटर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के वो हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए, सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। टाइम्स नाउ नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।